अमृतसर तो एमपी गुरजीत सिंह औजला ने अटारी बॉर्डर ते स्थापित देश दे सब तो उच्चे तिरंगे की स्थापना विच लापरवाही दा इल्जाम लाया जिस करके तिरंगे नूं दूजी वार नुकसान पहुंचा है। भारत पाकिस्तान सरहद के नेड़े स्थापित देश का सब तो उच्चा तिरंगा तेज हवा का दबाव नहीं चल पा रहा है जिस वजह नाल तिरंगे नूं दूजी वार नुकसान पहुंचा। अमृतसर तो कांग्रेस एमपी गुरजीत सिंह औजला ने तिरंगा फहराने विच जल्दबाजी का इल्जाम लगाते हुए साबका अकाली सरकार नूं निशाने उत्ते लिया। ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਥਣਾ ਪੱਟਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡਿਆ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। हालांकि अटारी बॉर्डर उत्ते तिरंगे की स्थापना के समय साबका कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने तिरंगे का कपड़ा मजबूत होने का दावा किया सी, पर एमपी गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि तिरंगे नूं फहराने तो पहला ये यकीनी नहीं किया गया कि तकरीबन 360 फुट की ऊंचाई उत्ते तिरंगा हवा का दबाव चल सकेगा या फिर नहीं। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। खबर रोपड़ तो है जिथे प्रशासन नजायज़ माइनिंग के खिलाफ सख्त हो गया। शनिचरवार को SDM ते माइनिंग अफसर ने रोपड़ ते आनंदपुर साहब च कई थावां ते चैकिंग की, पिछले 2 दिनों च 4 FIR दर्ज हुई ने। पंजाब सरकार की सख्ती तो बाद सूबे च लंबे समय तो पैर पसार रहे गैर कानूनी माइनिंग के कारोबार नूं लै के प्रशासन हुण सख्त नजर आउण लगा है। शनिवार नूं जी मीडिया की टीम ने उन्हां थावां दा ग्राउंड जीरो तो जायजा लिया जिन्हां थावां ते पहला माइनिंग माफिया का अड्डा मनिया जांदा सी। शनिवार नूं इन्हां थावां ते कोई खनन हुंदा नजर नहीं आया। रोपड़ के SDM का कहना है कि कानूनी तौर ते सिर्फ 8 खड्डां चों ही माइनिंग की जा सकती है जिसके लिए एक समा तय किया गया है। इस तो अलावा कोई माइनिंग हुंदी है ता प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। गर्मियां दे विच सवेरे 6 to 7 बजे तक हैगा शाम दे, ते सर्दियां दे विच सवेरे 7 to 5 हैगा, ते साडियां इस वेले 7 खड्डां ऑपरेशनल हैगियां ने, ते 3 खड्डां लेटेस्ट साडियां सेंटर गवर्नमेंट तो हुणी प्रवान हो गई है। उम्मीद है भी नेक्स्ट वीक ऑपरेशनल हो जाणगियां, ते 2 खड्डां भी साडियां हेड ऑफ ते ऑपरेशन लई तैयार ने। नेक्स्ट वीक भी असीं मतलब तकरीबन 12 खड्डां साडियां ऑपरेशनल नेक्स्ट वीक तक हो जाणगियां। इस पासे हुण असीं पूरा जिहड़ा हैगा सख्ताई की हुई हैगी है, तो असी किसी तरह का मतलब जिथे भी सानू कोई शिकायत मिलती है ज अदरवाइज असी रेड करते हैं तो असी इमीडिएट हरकत दे विच आने, चाहे कोई रात नू 12 बजे भी फोन करता है तो असी रात नू 12 बजे भी उत्थे पहुंच जाने हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ गैर कानूनी माइनिंग ही बंद करवाई जाएगी ते कानूनी तौर ते माइनिंग करने वालों नू कोई परेशानी नहीं आन दी जाएगी। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 6 FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 45 ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮੈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੀਗਲ ਮੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਮੈਨਿੰਗ ਚੱਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ 12-13 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SDMs, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।
हरियाणा सरकार ते पतंजलि आयुर्वेद कंपनी दे विचाले मोरनी हिल्स इलाके विच निवेश नूं लैके एमओयू साइन होया सी, जिस नूं लैके पतंजलि दी टीम ने अपना काम शुरू कर दिता है। इसे सिलसिले च बाबा रामदेव दे सहयोगी ते पतंजलि दे निदेशक आचार्य बालकृष्ण अपनी 40 मैंबरी टीम दे नाल कालका दे कोल पैण वाले थापली इलाके च ने। इत्थे शनिचरवार नूं उन्हां दी टीम ते प्रशासनिक अफसरां ते अचानक मधुमक्खियां ने हमला कर दिता, जिस च कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हो गए। खुद नूं जमीन ते रगड़दा होया ए पुलिस अधिकारी ते अपने आप नूं कपड़े नाल ढक के बचदे होए ए लोग मधुमक्खियां तों बचण दी कोशिश कर रहे ने। मामला पंचकुला जिले दे थापली दा है, जिथे पतंजलि आयुर्वेद कंपनी दे निर्देशक आचार्य बालकृष्ण अपनी 40 मैंबरां वाली टीम दे नाल पहुंचे हुए सी ते जड़ी बूटियां ते कुछ रिसर्च कर रहे सी, तां उत्थे मौजूद लोकां ते मधुमक्खियां ने हमला कर दिता। इस दौरान मधुमक्खियां ने आचार्य बालकृष्ण समेत कई लोकां नूं डंग मारिया, जिस तो बाद अग दा सहारा लैके हालातां ते काबू पाया गया। तां उत्थे आचार्य बालकृष्ण ने कोई दवाई दे के लोकां नूं राहत पहुंचाउण दी कोशिश भी कीती। आचार्य बालकृष्ण दी टीम हरियाणा सरकार दे नाल साइन होए एक एमओयू ते काम करन दे लई थापली पहुंची सी, जिस दे तहत मोरनी हिल्स इलाके च एक हर्बल फॉरेस्ट विकसित कीता जाणा है। आचार्य बालकृष्ण ने अपने इस प्रोजेक्ट दे बारे जानकारी भी दित्ती। विचार बना क्या बने, जंगल का सबसे पहला काम है कि उसका संरक्षण और संवर्धन, ये भी हमारे कार्य का पार्ट है। तो विचार बनते समय फिर ये विचार हुआ कि इस क्षेत्र को क्यों ना, क्योंकि हर्बल गार्डन अभी पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पर है और ये कॉन्सेप्ट अभी नया चल भी रहा है हर्बल गार्डन का। हमने कहा कि नहीं, हमको हर्बल गार्डन नहीं, एक हर्बल फॉरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर काम करना चाहिए। इतनी बड़ी नर्सरी हम बनाना चाहते हैं, इतने पेड़ पौधों की नर्सरी हम यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं कि पूरे देश के लिए कहीं पर भी किसी को भी पेड़ पौधे चाहिए तो पता चले कि मोरनी हिल जो है एक एरिया है जहाँ पौधे मिलते हैं। उन्होंने दस्या कि इस प्रोजेक्ट ते काम करने दे दौरान उन्हां दी संस्था दी कोशिश रहेगी कि इत्थों दे स्थानिक लोकां नूं रोजगार मुहैया करवाउंदे होए इस मुहिम नूं कामयाब बनाया जावे। जब प्लांटिंग मटेरियल हम लोग तैयार कर पाएंगे, नर्सरी वगैरह बनेगा, तो फिर किसानों को लगाने का उगाने का कार्य उसके लिए भी हम प्रेरित करेंगे जो क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों के लिए। और जब लोग एक आकर्षण बनेगा, लोग आने शुरू हो जाएंगे, हम लोग उस विषय में बात करेंगे कि जितने जितने जिनके पास एक कमरा भी खाली है तो उसको भी गेस्ट हाउस के रूप में हम लोग कहें कि इसमें मॉर्निंग हिल्स के अंदर इतने गाँव हैं, इतने इतने घरों में उसका पूरा हम लोग एक अच्छा सा वेबसाइट बना करके डेवलप कर करके उनको दे दें कि भाई इतनी फैसिलिटीज हैं, तो आने वाले समय में बहुत परिवारों को रोजगार भी मिल जाएगा और बहुत लोगों का आने का आकर्षण भी बनेगा। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण दे नाल कालका तो विधायक ललित शर्मा ते कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सारे लोग आचार्य बालकृष्ण दे नाल हर्बल फॉरेस्ट नूं लै के चर्चा कर रहे सी, तां उस वेले मधुमक्खियां ने उन्हां ते हमला बोल दिता, जिस च कई लोग मधुमक्खियां दा शिकार बन गए। पंचकुला तो कुलवीर दवान दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।